मध्य गाजा के दीर अल बलाह में एक स्कूल पर इसराइल के हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए वहीं इसराइली सेना ने दावा किया कि उसने के के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय और हमस द्वारा संचालित मीडिया कार्यालय ने दीर अल बलाह में स्कूल पर हमले में मारे गए लोगों की संख्या तीस बताई ये गाजा के विस्थापित परिवारों की सबसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है मीडिया कार्यालय के मुताबिक इस हमले में सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं जिले के पोनी दादुआ में घर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया इस तलाशी अभियान में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया जानकारी के अनुसार घर की एक महिला ने अपने घर के बाहर कुछ संदिग्ध देखे और शोर मचाया महिला को देखते ही संदिग्ध व्यक्ति भाग गए जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों को लेकर होने जा रही सर्वदलीय बैठक को स्थगित कर दिया गया है सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता एम वाई तारीगामी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अगले महीने जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों की बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया है मूल रूप से सात अगस्त को निर्धारित बैठक के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है तारीगामी ने कहा की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला द्वारा बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताए जाने के बाद बैठक स्थगित कर दी गई जम्मू कश्मीर में अब गर्मी के कारण स्कूलों की छुट्टियां नहीं बढ़ेंगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार ने स्पष्ट किया उन्होंने कहा स्कूलों को शिक्षा के लिए चलाना अनिवार्य है गर्मी से बचाव के लिए स्कूलों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं भारत की सुदर्शन एस फोर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है दरअसल सुदर्शन एस फोर सिस्टम ने अभ्यास के दौरान दुश्मन के पैकेज के 80 फीसदी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया भारत की सीमाओं की हवाई सुरक्षा के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के में आयोजित हुई नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दशक तकनीक और भू राजनीतिक बदलाव का है भारत को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आए नीति आयोग की बैठक के बीच में ही बाहर निकली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा का संबोधन की बारी लंच के बाद आती लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें सातवें वक्ता के रूप में शामिल किया गया क्यूँकी उन्हें जल्दी लौटना था जबकि उनके संबोधन के दौरान टाइम क्लॉक न केवल ये दिखाया की का बोलने का समय समाप्त हो गया है यहां तक की घंटी भी नहीं बजाई गई थी। प्रदेश महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग की जम्मू में आज एक पत्रकार वार्ता में महिला कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल तो पास किया है पर अभी तक इसे देश में लागू क्यों नहीं किया जल्द इस आरक्षण को लागू करने की मांग की केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा भी मौजूद रहे पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने बजट का स्वागत किया और जम्मू कश्मीर के लिए बजट के लाभ गिनवाये ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एस सी एस टी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया इस अवसर पर बोलते हुए संगठन के सदस्यों ने अभी हाल ही में पेश किए गए बजट पर बात की संगठन के सदस्यों ने बताया कि बजट में एस सी एस टी ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है जो बेहद निराशाजनक है उन्हें इस पर नाराजगी जताते हुए अन्य मुद्दों पर भी बात की